तो चंडीगढ़ में संगीत मातरम पंडित जसराज जी की 93वीं जयंती के मौके पर बॉलीवुड गायक सोनू निगम भी पहुंचे। इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सोनू निगम ने कहा कि लंबे समय तक उन्हें पंडित जसराज के परिवार का सानिध्य मिला है। वहीं उन्होंने हरियाणा के म्यूजिक की तारीफ की और कहा कि यहाँ के कलाकारों में बहुत संभावनाएं हैं। संगीतज्ञ है, उनके लिए कार्यक्रम चंडीगढ़ में किया गया था। हरियाणा से है, आप भी हरियाणा से है? जी जी, उनकी जसराज जी फाउंडेशन, कल्चरल फाउंडेशन के लिए हम यहाँ पर हैं और हरियाणा से मेरा बचपन, मतलब मेरा जन्म से संबंध रहा है। जसराज जी की फाउंडेशन के बारे में यही है कि हम लोग हरियाणा में, दुर्गा जी जो उनकी बेटी हैं वो हरियाणा राज्य में जसराज जी फाउंडेशन, क्योंकि वो भी हरियाणा से ही हैं, तो इस राज्य में संगीत, कल्चर और बाकी विद्याएं जो हैं उनको यहाँ पे प्रसारित करने के लिए और प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। सोनू जी, हरियाणा में कितनी आप भूमिकाएं देखते हैं कि आने वाले समय में संगीत को और आधा, क्योंकि हम देखते हैं पंजाबी जो म्यूज़िक है, पंजाबी इंडस्ट्री है, वो हम सब जगह देखते हैं, लेकिन हरियाणा में अभी भी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि इस समय जो भारत का सबसे ज़्यादा देखा गया कोई गाना है वो हरियाणवी गाना है, उसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वही होता है कि कुछ राज्यों में एक्सेस ज़्यादा होता है, एक कल्चर हो जाता है, कुछ जैसे महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, पंजाब में है, तो हरियाणा में है, तभी तो ये गाना इतना बड़ा हुआ है। तो अगर यही चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएगी तो जो छुपी हुई प्रतिभाएं वो और बाहर आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया सोनू जी बातचीत करने के लिए। तो सोनू निगम से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हरियाणा में भी संगीत को लेकर, अलग अलग कलाओं को लेकर बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो अब भी हैं, और इन्हें आगे लाने के लिए जो पंडित जसराज फाउंडेशन है वो आने वाले समय में काम करेगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।